गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक डेट मीन द कॉमन इफेक्ट ऑफ डिजीजेस ऑन आवर बॉडी। बेटा 255 पेज पे लास्ट टॉपिक है, ये हमने नहीं करना है, ठीक है। जिसका नाम है ऑर्गन स्पेसिफिक टिश्यू, ठीक है बेटा। टिश्यू स्पेसिफिक, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक वाला नहीं करना हमने। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पेज है 256 पेज पे, वहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है बेटा। यहाँ से कंटिन्यू करना है। सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कॉमन इफेक्ट क्या डालता है डिजीज हमारी बॉडी पे। तो पहला लाइन क्या है, इन एडिशन टू द टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, मतलब क्या है कि कुछ कॉमन इफेक्ट है, ठीक है बेटा। देर आर ऑल्सो सम कॉमन इफेक्ट एक्सप्रेस इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन बाय द बॉडी, ठीक है बेटा। मतलब कि अगर हमारा बॉडी क्या करता है, कुछ कॉमनली रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। मीन्स क्या है बेटा कि हमारा जो बॉडी है, ठीक है बेटा, वो पर्टिकुलरली क्या करता है कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मतलब डिजीजेस के लिए हमारी बॉडी पे कॉमन इफेक्ट आता है। एग्जांपल के लिए देखो बेटा, फॉर एग्जांपल फीवर हेडेसिस आर द कॉमन सर्वल डिजीजेस। दिस कॉमन इफेक्ट अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन। मतलब क्या होता है कि अगर आपको बेटा कोल्ड हो जाए, अगर मान लो बेटा आपको कोल्ड हो जाए, तो ये क्या करता है कि आपको इम्यून सिस्टम को बता देता है कि आपके बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया, और इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट, मतलब शुरू हो जाता है किसके लिए, उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। द एक्टिवेट इम्यून सिस्टम इमिडिएटली क्या करता है, सेंड मैनी सेल्स, ठीक है बेटा। वो क्या करता है, काफ़ी सारे सेल्स को सेंड करता है। आपको पता है ना, जो सेल होता है वही हमारी बॉडी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो इन्फेक्टेड साइट पे काफ़ी सारे सेल्स को सेंड करता है। वो वहाँ जाकर उन जो मतलब वो चीज़ें जो हमारे बॉडी को हार्म पहुँचा रही है, जिसके करके हमें कोल्ड या कोई प्रॉब्लम हो रही है, फीवर एक्सेट्रा हो रहा है, वो उनसे लड़ाई करता है और एट लास्ट में क्या करता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है बेटा। अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, अगर वो डिस्ट्रॉय कर लेता है फिर तो ठीक है, अगर नहीं डिस्ट्रॉय कर पाता तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। और याद रखना, अगर हमें फीवर होता है तो बेटा वो भी होना हमें जरूरी है। अभी अगर किसी बच्चे को कभी फीवर नहीं होता तो वो भी उसके शरीर के लिए अच्छा नहीं है। कभी साल में एक बार तो फीवर थोड़ा सा होना चाहिए, उससे क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर मतलब एक्चुअल से इंक्रीज़ होता है, ठीक है बेटा। बॉडी का टेम्परेचर जो पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता है, उससे क्या होता है कि वो ईजिली उसके बॉडी में जो हार्मफुल मतलब कि जो वायरसेस एक्सेट्रा जो पल रहे हैं वो उनको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। ओके बेटा, इतना ही करना है हमने ये वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हमने करना है नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम एंड एड्स। इन द सम केसेस द टिश्यू स्पेसिफिसिटी ऑफ इन्फेक्शन नॉट कंफाइड बाय एनी ऑर्गन। मतलब क्या होता है, कुछ केसेस में क्या होता है कि जो टिश्यू स्पेसिफिसिटी मतलब कि जो इन्फेक्शन, अगर देखो हमें बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो तो हमारा जो बॉडी होता है हमें मतलब क्या होता है, मैसेज सेंड करना शुरू कर देता है कि आप बीमार हो रहे हो, कुछ ना कुछ इसका करो या दवाई लो। पहले तो वो सेल्स को भी सेंड करता है वहाँ पर लड़ने के लिए, अगर सेल भी नहीं लड़ पाता है तो वो हमारे बॉडी का टेम्परेचर मतलब कि बॉडी के जो सिस्टम होते हैं, या तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, या तो और किसी तरीके से हमें मैसेज सेंड करना शुरू करता है कि आपके बॉडी बीमार है, इसका कुछ करो, ठीक है बेटा। बट अगर ऐसा ना हो, जो मैंने बोला कि अगर ऐसा ना हो और हमारी बॉडी पहचान ही ना पाए ये किस तरह की बीमारी है, या हमारे सेल्स तक या हम तक मैसेज ना सेंड करे, तो क्या होता है, द इफेक्ट प्रोड्यूस आर जनरल एंड वाइड रेंजिंग। एग्जाम्पल के लिए HIV एड्स हो गया, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम है, ठीक है बेटा। ये एक डिजीज, इट इज़ अ डिजीज डैट परमानेंटली डिसेबल द बॉडी इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है, अगर किसी के बॉडी में हो जाए तो वो ये क्या करता है, डायरेक्टली जाके इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है और उसे ही ख़त्म कर देता है। और जिसको ये बीमारी होगी बेटा, उसको काफ़ी बच के रहना पड़ता है। इवन अगर वेदर चेंज हो रहा है उसे बच के, अगर उसे जुकाम भी हो गया ना, वो जल्दी नहीं ठीक होगा। एक दो दो महीने उसको जुकाम नहीं ठीक होता, इवन तो कई कई छः छः महीने नहीं ठीक होता। क्यों, उसके इम्यून सिस्टम काफ़ी वीक हो चुका होता है या तो ख़त्म हो चुका होता है, ठीक है। द कॉस्टिक एजेंट एड्स हो, मतलब कि कॉस्टिक एजेंट का मतलब होता है कि वो जो इसके लिए वो जो एड्स को पैदा करता है वो है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव सिंड्रोम, ठीक है बेटा। HIV होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव वायरसेस,
ठीक है, डैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ रेट्रोवायरस, ये कौन से ग्रुप से होता है। अब यहाँ पे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एच आई वी कौन से ग्रुप से है, ऐसा एच आई वी कौन से ग्रुप का, यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव जो वायरसेस है डैट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ वायरसेस कॉल्ड डैश, तो यहाँ पे ये आपको आ सकता है। तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए ये कौन से ग्रुप से है, रेट्रो वायरस के ग्रुप से, ठीक है। द सिम्टम डैट्स अपेयर इन द बॉडी वेन द पर्सन सफ़र फ्रॉम द एच आई वी एड्स इंक्लूडिंग द रिकरिंग, उस पर्सन को क्या होता है बेटा, फीवर होना शुरू, पहले तो शुरू में कुछ पता नहीं लगता, ठीक है, स्टार्टिंग के कितने दिनों तक तो कुछ पता नहीं लगता, बॉडी नॉर्मल फंक्शन करता है, ठीक है, फिर अचानक उसे फीवर, ठीक है बेटा, उनके बॉडी में लम्फ आना मतलब गांठ बनना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है बेटा, स्वेटिंग एट नाइट, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और अगर शुरू में ना पता लग पाए तो इसके इलाज भी पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इन एच आई वी इन्फेक्शन द वायरस एंटर क्या करता है, वायरस एंटर कर जाता है इम्यून सिस्टम में ऑफ द बॉडी में और डैमेज करता है इसके फंक्शन, और इसके सारे फंक्शन को क्या करता है, वो क्या करता है, हमारे सीधे ही वाइट सेल पे अटैक करता है। आपको पता है जो वाइट सेल होता है ना, वही हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, वो सीधे उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देता है, ठीक है। ये डैमेज करता है फंक्शन ऑफ अटैकिंग सर्टन वाइट सेल्फ, और इसे कहते हैं, इसी सेल को कहते हैं टी फोर सेल, ठीक है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, बॉडी कैन नॉट रजिस्ट इवन, और इससे क्या होता है कि अगर बॉडी को थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो जाए तो बॉडी उसे झेल नहीं पाता और जल्दी बीमार हो जाता है। नेक्स्ट है सर्विलिटी ऑफ डिजीजेस मैनिफेस्टेशन, ठीक है बेटा, मींस क्या है कि इस वाले टॉपिक से हमें ये पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ डिजीजेस यानी कि माइक्रोब्स या वायरसेस ने हमारे बॉडी पे क्या किया है, अटैक किया है किसी पर्सन के। इट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्टर ये डिटरमाइन करने के लिए कि कितने नंबर ऑफ वायरसेस या माइक्रोब्स ने हमारे बॉडी पे अटैक किया है। एग्जाम्पल के लिए, इफ द नंबर ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब इन्वेडिंग द बॉडी ऑफ ए पर्सन वेरी लार्ज, ठीक है बेटा, अगर मान लो ये नंबर ऑफ जो माइक्रोब्स है वो बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डाल रहे हैं, देन द डिजीजेस कैन बी सर्व एंड द लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है बेटा। मीन्स क्या है बेटा कि अगर काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ माइक्रोब्स और वायरसेस हमारे बॉडी पे अटैक करता है तो उससे क्या होगा, डिजीज अगर उस इस टाइप के डिजीज को कहेंगे काफ़ी हार्मफुल होगा हमारे बॉडी के लिए, और ये क्या करेगा, हमारी बॉडी के सिस्टम पे जाके सीधे अटैक करेगा, कौन सिस्टम पे, इम्यून सिस्टम पे, और सीधे ही उसको डैमेज करना शुरू कर देगा, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा कि आपका बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। वही अगर नंबर कम हो जो मतलब अटैक कर रहा है हमारी बॉडी पे, उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम हो तो क्या होगा कि वो ज़्यादा हमारी बॉडी को वीक कर पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा, एंड हमारा इम्यून सिस्टम क्या क्या करेगा, उनसे लड़कर अपने आप को ठीक कर लेगा। ओके क्लियर है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, ठीक है बेटा, ये दो तरह के वेज होते हैं रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ डिजीजेस। सबसे पहले क्या तरीका है कि जो बीमारी आपके बॉडी पे अटैक किया है उसके उसको मतलब ये नहीं होता कि शुरू में ख़त्म कर दिया जाता है, ऐसा कोई जल्दी ऐसा कोई मेडिसिन नहीं है खाओ तुरंत ख़त्म हो जाए, पहले क्या करता है उस डिजीज़ को होली होली सबसे पहले क्या करता है, जहाँ से वो वायरस या माइक्रोब्स खाना खा रहे होते हैं ना मतलब एनर्जी ले रहे होते हैं, उस एरिया को वो बंद कर देता है, जो दवाई हम देते हैं वो क्या करता है उस एरिया को बंद कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो एरिया बंद हो गया तो क्या होगा, एरिया ही बंद हो गया, खाना कहाँ से लेगा वो, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे अचीव किया जाता है, पेशेंट को ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऐसा मेडिसिन दिया जाता है, वो क्या करता है सिम्टम्स को कम करता है, ठीक है। अकरेंस सिम्टम्स इज यूजली ड्यू टू इन्फ्लुएंसर, फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को एक ऐसी मेडिसिन दिया जाए, ठीक है बेटा, जो क्या करता है फीवर को कम करता है, पेन को रिड्यूस करता है, ठीक है, स्वेलिंग और लूज मोशन को ख़त्म करता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, पेशेंट को कहते हैं बेड रेस्ट लो, और बेड रेस्ट लेने से क्या होता है, बॉडी होली होली 1 या 2 या 10 डेज में ठीक हो जाता है। ये तो बेटा हो गया कि इफेक्ट ही खत्म कर दो डिजीज का। नेक्स्ट है किलिंग ऑफ पैंथोजेंस, ट्रीटमेंट विच इज ओनली सिम्टम डायरेक्टेड इज नॉट सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय पैंथोजेंस, मतलब क्या है कि अगर आपके पास मतलब क्या है कि बेटा इसका कि अगर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है कि जिससे आप सीधा ही जाके पैंथोजन को रोक सको या तो उनकी पावर को कम कर सको, तो फिर उस केस में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही क्या करते हैं उस पैंथोजन को मार देते हैं, मतलब उस वायरस को मार देते हैं। जैसे कि बेटा द कंप्लीट क्योर ऑफ डिजीजेस नीड टू किलिंग ऑफ पैंथोजेंस, ठीक है, मतलब कि वायरसेस,
ठीक है, पैंथोजन सच एस बैक्टीरिया हो, वायरस, फंगी हो, प्रोटोजोन्स हो, वॉर्म्स हो एक्सेट्रा, वो उनके क्या होते हैं स्पेसिफिक बायो केमिकल पाथ होता है, मतलब जिनसे वो खाना लेते हैं और मतलब शेयर करते हैं अपने दूसरे ग्रुप को। ये क्या करता है, जैसे आप ये दवाई खाओगे ये क्या करेगा, उनके जो मतलब कि एक जैसे देखो अब एक वायरस है दूसरे को खाना देता है ठीक है टाइम टू टाइम ताकि वो सब सर्वाइव और जिंदा रह सके, वो क्या करता है उस पाथ को ही ब्लॉक कर देता है ना तो कोई। फिर इस पाथ को ब्लॉक करने से क्या होता है, अभी मान लो कि हमारे अभी मान लो कि बेटा ऐसा हो जाए कि आप खाना खा रहे हो ठीक है और होली होली क्या हो जाए कि गाड़ियाँ या सब्जी उगाने वाले सब्जी ही उगाना बंद कर दे, सब कुछ उगाना, अनाज उगाना, कुछ उगाना बंद कर दे, या तो ऐसे सिटी में रहते हो जहाँ पे कोई कुछ ना भेजे तो क्या होगा, हम ये सेम उसी तरह का काम होगा जैसे हम इन वायरसेस के साथ करते हैं। ये क्या करते हैं उनके सभी तरह के चाहे सोर्स ऑफ एनर्जी एक्सेट्रा सबको बंद कर देता है, ना तो वेस्ट निकाल पाते हैं ना कुछ नया खा पाते हैं, इससे क्या होता है होली होली वो ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ स्पेसिफिक ड्रग, द ड्रग और मेडिसिन शुड बी स्पेसिफिक इन इट्स एक्शन, मतलब क्या है कि इट शुड बी स्पेसिफिकली एक्ट द पैंथोजन एंड डिस्ट्रॉय विदाउट अफेक्टिंग होस्ट मेटाबॉलिज्म, मतलब क्या है कि कुछ ऐसे दवाइयाँ भी बनी हैं, आप ये नहीं सोचते हो कभी कि जब हम दवाई खाते हैं वो सिर्फ, अब देखो हमारे बॉडी में अच्छे वायरसेस भी हैं बुरे भी, अच्छे वो हैं जो हमारे खाना पचाने में हेल्प करता है, बुरे वो हैं जो हमारे बॉडी को के काम बॉडी के मेटाबॉलिक और बॉडी के जो वर्क को इफेक्ट डालता है ठीक है। तो दवाइयाँ इस तरह की दवाइयाँ डिस्कवर की गई है या इस तरह की दवाइयाँ मार्केट में प्रेजेंट है बेटा, जब आप खाओगे वो क्या करेगा उन वायरसेस को तो ख़त्म करेगा बट आपके जो बॉडी में होस्ट मेटाबॉलिज्म है मतलब जो आपके बॉडी के लिए अच्छा है उनको कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, और ये क्या होता है एंटीबायोटिक्स होता है। अब देखो जैसे कि कैंसर की थेरेपी होता है कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी को आप कीमोथेरेपी इतना अच्छा तो चलो मुझे इतना इसके रिगार्डिंग मैं आपको इतना डिटेल्स में तो नहीं बता पाऊंगा बट कीमोथेरेपी का क्या होता है, जब आप कीमोथेरेपी कराते हो तो वो क्या करता है आपके बॉडी के काफ़ी सारे सेल्स को इवन की ओन आपके खुद के भी कई सारे सेल्स डैमेज होते हैं उस प्रोसेस में, साथ में आपके बॉडी के सारे हेयर जो आपके बाल होते हैं वो भी निकल जाते हैं ठीक है बेटा। आपने देखा ही होगा युवराज सिंह का भी, उसके सभी बाल निकल गए थे ना, इवन कि आपके जो आईब्रोज के बाल भी निकल जाते हैं ठीक है। तो यही क्या बात कर रहे हैं कि देर आर सर्वल कुछ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है मार्केट में ठीक है बेटा, और ए ड्रग वो क्या करता है उसमें उसको बनाने के लिए वो क्या करते हैं प्रॉपर स्टडी करते हैं ठीक है बेटा। अब उन ड्रग्स को बनाने के लिए वो क्या, जैसे कि कोरोना वायरस को क्या क्या चाहते हैं, जिसके बॉडी पे कोरोना वायरस इफेक्ट डाले तो वो क्या करे, अगर हम दवाई खाएं तो वो सिर्फ कोरोना वायरस के जहाँ से कोरोना वायरस पावर ले रहा है ठीक है बेटा, जहाँ से वो वायरस पावर ले रहा है या तो जहाँ से वो अपना वेस्ट निकाल रहा है वो सारा पाथवे ही बंद कर दे। ऐसा दवाई डेवलप कर रहे हैं साइंटिस्ट जो देखो अगर हम दवाई खाएं तो ये ना होना कि इंसान भी मर जाए ठीक है बेटा, तो ऐसा दवाई जनरेट होता है जिससे कि सिर्फ वो वायरस मरे इंसान को कोई इफेक्ट ना पड़े ठीक है बेटा। मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन, इट इज़ हार्ड टास्क टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन, ये क्या बोल रहे हैं काफ़ी हार्ड है कि अगर एंटीवायरल मेडिसिन बनाना फॉर द मेकिंग एंटीबैक्टीरियल और पैथोजन स्पेसिफिक ड्रग, पैथोजन स्पेसिफिक ड्रग का मतलब क्या होता है सिर्फ उस ही बीमारी पे असर करे और कोई भी चीज़ को इफेक्ट ना करे ठीक है। द रीज़न डैट वायरस हैव फ्यू बायोलॉजिकल मैकेनिज्म इन देयर ओन, इसके पीछे रीज़न क्या है बेटा, इसके पीछे सबसे रीज़न क्या हूँ, अभी एक साल से ऊपर हो गया पर भी दवाई नहीं मिला है, इसके पीछे रीज़न क्या है, वायरस जो होते हैं अपना शेप हर कुछ टाइम बाद चेंज कर लेता है। अगर कोई साइंटिस्ट मान लो कि वायरस का शेप ये है इसके लिए दवाई ढूंढता है तो वो कुछ देर बाद शेप ऐसे कर लेता है, कुछ देर शेप ऐसे कर लेता है, वो अपना शेप बदलता रहता है ठीक है बेटा, जिससे क्या होता है कि वो अपना पाथवे बदलता रहता है। अगर हम मैं दवाई बना रहा हूँ कि ये पाथवे को ब्लॉक करना है तो वो क्या करता है अपना पाथवे ही बदल लेता है तो वो दवाई उस पर इफेक्ट नहीं करता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, ऑल ऑफ अस सफर फ्रॉम द माइनर और मेजर डिजीजेस सम ऑफ द अदर टाइम ऑफ लाइफ, मतलब हम ये क्या बोल रहे हैं कि हम अपने लाइफ टाइम में कभी भी माइनर और मेजर डिजीजेस से सफ़र करते हैं ठीक है। डिजीजेस आर एक्चुअली मिसरेबल इवेंट डैट नॉट ओनली इफेक्ट द पर्सन वो सफरिंग फ्रॉम बट आल्सो इफेक्ट द नियर बाय टू सफरर, मतलब क्या है कि जो अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ वो पर्सन को ही प्रॉब्लम हुआ है, उसके साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है ठीक है बेटा। तो और याद रखना कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं हर तरह के ट्रीटमेंट के, जैसे कि बेटा अगर आप कोई भी दवाई लेते हो तो वो डैमेज करता है वेरियस बॉडी फंक्शन को ठीक है,
सबसे पहले देखो, अगर आप काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है जब आप फीवर होता है तो अभी डॉक्टर आपको मना करता है कभी भी ताकत की दवाई नहीं खाने के लिए, कैप्सूल्स जो आपको बॉडी एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करता है, मतलब मल्टी विटामिन एक्सेट्रा नहीं खाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अगर वो खाओगे तो आपको क्या होगा, आप और ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्योंकि वो जो कैप्सूल्स होंगे वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के साथ साथ उन वायरसेस को भी एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। When a person suffer from the disease, some of his body function get affected or damaged. और याद रखना, sometimes ये पूरी तरह recover भी नहीं हो पाते, long recovery period. Treatment और proper recovery from the disease take time. That means इसका मतलब यह है कि अगर आपको का आप किसी चीज़ का इलाज करा रहे हो तो ये possibilities है कि उससे cure होने में आपको सालों साल लग जाए, ठीक है। The person suffering from the infection disease can serve the source of infection to the other people of community. That can lead to the multiplication of the above to mention difficulties. Hence, is say prevention is better than cure. मतलब क्या है कि देखो, इसका मतलब यह है कि अपने आप को पहले ही सब चीज़ों से बचा कर रखो, अपने हैबिट्स चेंज करो, ठीक है, मतलब गलत खाना, गलत पीना, गलत चीज़ों के तरफ मत जाओ, क्योंकि बीमारी होने से ही पहले अपना बचाव करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी वेदर चेंज हो रहा है तो अगर हम फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहन के घूमेंगे तो बेटर रहेगा हमारे लिए, और ना कि अगर हम बीमार हो जाए, हमें फीवर हो जाए तो वो बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या है, ये बेटा मैं आपको ये चीज़ नहीं करवाऊँगा, ये चीज़ बेटा मैं नहीं कराऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि मैं पूरे चैप्टर में 50 बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करो, ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल करो, प्रॉपर न्यूट्रिशन लो, एक्सरसाइज करो, रेस्ट करो, ये सब चीज़ें 50 बार में एक ही लाइन बोल चुका हूँगा, ठीक है। ये चीज़ बेटा अब मैं दोबारा नहीं कराने लगा हूँ, ओके, ये आप कर लेना अपने आप, फिर भी प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ लेना, ओके बेटा, ये नहीं करना। एंड हमारा ये वाला टॉपिक अभी यहाँ फिनिश होता है, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, ओके, थैंक यू फॉर टुडे।